एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस होती है उससे इतना समझ लीजिए कि अगर अपने बेटे को आप पढ़ाते हैं तो आपने एक जनरेशन को पढ़ा दिया, लेकिन अगर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं तो आपने 7 पीढ़ियों को पढ़ा दिया, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो सब में बराबर में होना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजुकेशन पर, ज्ञान पर। मैं कोई ज्ञानी तो नहीं, मगर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूं। और मेरे विचार एप्रिहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से पैदा होते हैं। इसलिए ज्ञान का महत्व, शिक्षा का महत्व मैंने बचपन में ही सीखा था। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा, प्रॉफिट हमें जीवन भर होता है। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है एजुकेशन की। एजुकेशन हमें रास्ता दिखाती है। दोस्तों, धन से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये खतरा रहता है कि ये सब चीज़ें चोरी हो सकती हैं, हम इसे खो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो हम उससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं समाज में। और मेरा ये मानना है कि एक इंसान को सबसे ज़्यादा पावरफुल होने के लिए क्या ज़रूरत होती है, आप जानते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पावर बहुत ज़रूरी है, शस्त्र बहुत ज़रूरी है, साम्राज्य बहुत ज़रूरी है, किसी सल्तनत का वारिस होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें एक लिमिट में रखती हैं और कभी भी हमारे हाथ से निकल सकती हैं। लेकिन अगर हमने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, हमारे पास ज्ञान है, तो हम जीरो से शुरू होकर भी कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। एक राजा की जो पूजा होती है वो वहाँ तक होती है जहाँ तक उसका साम्राज्य होता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति की पूजा और उसकी जो इज्जत होती है वो सारे विश्व में होती है। आपने कितने राजाओं का नाम सुना होगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर जीत हासिल की, कहाँ कहाँ शस्त्रों को, क्या क्या हथियारों का इस्तेमाल किया। मगर हम सब ये जरूर जानते हैं कि जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा। इसलिए हमें ये अपने नॉलेज से सीखना है कि उसके क्या क्या फायदे हैं। हमें इतिहास गवाह है कि हम लोग उसी वजह से जाने जाते हैं जो हमारे अंदर है। हमारे पास पावर हो सकती है, हमारे पास धन हो सकता है, लेकिन अगर ज्ञान की कमी है तो हमारी उतनी इज्जत नहीं होगी जितनी समाज में होनी चाहिए। एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दो लड़के होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। एक लड़का बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और एक लड़का जो होता है उसको अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से डांट भी खाता रहता है और स्कूल से कभी कभी बाहर भी कर दिया जाता है। इस तरीके से दोनों पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा होता है उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, दूसरा बच्चा फेल होता चला जाता है। एक दिन उसका झगड़ा उस लड़के से हो जाता है जो अच्छा पढ़ाई करता है और उसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। इस कारण से स्कूल की मैनेजमेंट उसे स्कूल से बाहर निकाल देती है। इसी तरीके से वो बचपन में ड्रॉप आउट हो जाता है। फिर वो एक गलत संगति में पड़ जाता है, दोस्तों के साथ बैठता है, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर चला जाता है। और जो लड़का पढ़ता है अच्छा, वो पढ़ते पढ़ते अच्छी नॉलेज लेते हुए स्कूल से पास आउट होता है अच्छे नंबरों से, फिर कॉलेज में जाता है। कॉलेज में जाने के बाद में अच्छे स्टूडेंट ऑफ द ईयर लेकर वो कॉलेज से बाहर आता है, एक अच्छा शिक्षक बनता है, फिर वो अपना एक कोचिंग सेंटर शुरू करता है। लेकिन दूसरा बच्चा जो बचपन में स्कूल से बाहर कर दिया जाता है, वो अपनी अज्ञानता की वजह से, गलत रास्ते की वजह से आगे बढ़ता जाता है, गलत रास्ते से बहुत पैसा कमाता है और उसी शहर में वो अपना एक बंगला, गाड़ी, सब कुछ लेता है। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन दूसरा लड़का जिसने अपना कोचिंग सेंटर खोला होता है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे इंस्पेक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और वो भी उसी शहर में अपने नाम से जाना जाता है। उसके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जिस बच्चे की वजह से उस लड़के को बाहर कर दिया जाता है स्कूल से, उसकी ईर्ष्या अभी तक कायम थी। उसे लगता है कि मेरे को समाज में वो मुकाम नहीं मिला जो इस लड़के को मिला। इसकी लोग इज्जत करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता है। मेरे से लोग डरते हैं, मुझे सलाम करते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है, बंगला है, मेरे पास नौकर चाकर है, पावर है। किसी वजह से वो इस ईर्ष्या में इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, एक दिन वो अपने दोस्तों से बोलकर उसका अपहरण करा लेता है और वो उसको उठाकर किसी खाली सी मकान में लेके जाते हैं और वहाँ उनसे बात करता है। वो कहता है कि सारी जिंदगी मैंने बहुत काम किया है, बहुत पैसा कमाया है, लेकिन तुम्हें बहुत इज्जत मिली, मुझे क्यों नहीं मिली।
इतनी देर में ही पुलिस आ जाती है और वो उसको पकड़ लेती है रंगे हाथों कि उसने उसका उसको किडनैप करके रखा होता है। लेकिन वो जाते जाते उससे पूछता है कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? तुम्हारे पास भी पैसा है, मेरे पास भी पैसा है, लेकिन मेरे पास इज्जत नहीं है। जो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं वो मुझे नहीं देते हैं। तो जो जिसका कोचिंग सेंटर होता है वो कहता है मेरे पास एजुकेशन है, ज्ञान है, मैंने लोगों को बनाया है, ये जो इंस्पेक्टर साहब आए हैं ये भी मेरे पढ़ाए हुए हैं, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुमने लोगों को लूटा है, तुमने लोगों से खसोटा है, और मेरे को किडनैप करने का कारण भी तुम्हारी ईर्ष्या थी। जिस दिन तुम ईर्ष्या से बाहर निकल आओगे, जिस दिन तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस दिन तुम्हें महसूस होगा इज्जत क्या होती है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है इस किस्से के द्वारा बताने का कि हमें अपनी लाइफ में अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना है, और जितना ज्यादा हम अपने लाइफ में पढ़ सकते हैं, एजुकेशन पा सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि नॉलेज जो होती है वो आपकी रक्षा करती है, आने वाली कठिनाइयों से बचाती है। हम नॉलेज के भरोसे कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।